सर हम नीचा रहनी सुन सर हमरा गरिया उतरनी झगड़ा भर है कहतनी कि हमरा गरिया तनी पूछो गरिया उतर कहत मारे के बता धक मुआ ना देत सर लिया के छत पर सर हम मुआ देने सर कथी से कटलो गरासी से सर हम अपने से काट देले बानी रात सुबह में तनी तीनों आदमी गिर ललन आके जो है लगला लन रोवे ना 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 सर गलत बात है हमरा के उठ के लैका ले आवत रही हमरा के हयो लैका देली आ हमरो लैका रहे तो हई गेली हम लगे तो कहत रही बोलका लैका बोलका धरी तई लिया तेरे पास में तू बोलका हमरो दीदी लैका धरी तो हम कहनी दू गो तो लैका होल हम तीन गो लैका धरी कि तोर हसियार बना रही है बुझबा से दोनों खेला ले हम हम कहनी तू ले जो माइक लगे तई लिया माइक लगे तो माइक हतिया बीरे बोलका हमरा सेल जा के बता धर एकनी के तो हम कहनी लेकिन बात सुन रही से एकनी धर देनी आई ना मानत तो कहनी केनल जाय तनका मुन रुक रहे पाँच बजे छत पर घुमा देवे मान उन जाई हाँ बल्कि माई को बता दे मान उन जाई हम अपना सर मन में रोप के गनी से घुमा में तो मान जाई तो ले गनी अभी नहीं चौतरा बानू पर चढ़ी तिले तोपर रहता खून के छिटकारा रह करिया उरिया लौक तो हम कहनी कथी हो तो हम लगनी चिल्लाए कहनी माई बाबू आवल छत पर कथी हो गए बटे खून छिटाइल बटे तब इो गए लोग रोते रोते गए लोग पहले देखे तो इो लागल गाँव नगर के लोग पूरा भी आ सक पूरा भी आ सक आदमी कहाँ रहे ई दोनों आदमी हमर बहिन सरेह में गई रहे सरेह में गेलो हां सरेह तब अइली त का कइली अइली त का कइली अभी जब ऊपरी ऊपरी गइलु हम ओती बेरा बहिन कर देखनी हम त रो के धुन बनै छन सर ई अब कब गइलु ऊपरी ना गइली हम इनका ना देखनी सर लेकिन रोवा पहले बार छत पर जाके जो है अनिल के देखनी ओ अवस्था में हाँ ना हम अनिल के पड़ोस ना देखनी खून देखनी हाँ 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 सर इतने देख के हम लगनी चिल्लाए जब पता चला तो लगनी रोवे हाँ हाँ जाके देखनी ना कि हम उनकी ना 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 तो गए लोग चढ़ल लोग तो पूरा आदमी देख ल कुघार के तब बोलकर तो अनिल अनिल तोहर बेटा तोहर बेटा तोहर भाई तब सारी आदमी लागल भी रोवे सारी आदमी देख लो तो सही बात ये है कहा तारीख ये नहीं हत्या के लिए ना सर इनके का रोगे कुछ कम तक आ यान भाई के इनका संपर्ने न रहत लख सर पति आ पति सूत के जाई लग में सूट के तो था भी ना लगी ठीक बा खींचा खींचा भाई झगड़ा में तो ओकरा संग हम नाच भी जा सकत नहीं ना हम झगड़ा हो गए ना सुतम हां एगो ही बात हो गेल हम ऐसा कतर ना सुतम हां या उठ के लग में से आदमी भी जाई तो था ना लगी कहां गेल का कहां ना गेल करिए हां तो फिर चले हम मान ले तनी कि हे कहले बानी तो केहू के अकेले हत्या कैसे हो सकत ई भी तो सवाल बा ए सर ई करेजगढ़ भाई उ देख के रोन भूलत नहीं तो नत भूली लगी करेजगढ़ भी बाड़ी सर के हम मार देम सर अपने पति के सर सर माने अपने पति के किंग हमर से अकेले हो के सके सर हम मर्डर तो नहीं की गलत अभी तो आंख से रो आंसू एक बूंद नहीं गिर रहा है एक बूंद आंसू नहीं गिर रहा है आपके आंखों से आपके बातों पर कैसे भरोसा करेंगे आपके बातों पर सर एक बूंद आंसू नहीं गिर रहा है उसके बाद में अभी आप पूरा होशो हवास में है दूसरी पत्नी रहती तो खुद मर गई होती अब तक सर आप भरोसा कर लग चाहे ना कर लग सर हमारा देह में तो कुछ नहीं कर रहते खड़ा भी नहीं के मन कर ना दिल से केंगा हो गल बा केंगा नहीं के हम के मरल भी बुझाता मर जाइली जन ठीक माने जिंदा भी ना ठीक से इनका कोनो महसूस नहीं के सर रोवा नहीं कहले रोवा नहीं कहले आप भी नहीं किए किसने किया हत्या तो घर में दूसरा आदमी किया है तो इनके करा इनके पिताजी ने किए होंगे ना करा है उनके देह में जान है ना सर रो नहीं देखी ना देह में जान है उनका कुछ हो की उनका भी नाम चाहिए उनके पापा जी किए होंगे हत्या गाँव के दूसरा लोग आया था मुख्यमंत्री जी आए होंगे ना सर हाँ तो फिर कौन आया था घर में आपके सर उतना था रही तो सर हम ना बता दे रहती सर घर में आप थी आपकी बहन थी आपके भसुर थे आपके ससुर थे आपकी सास थी तो किसने किया है घर में सर ये बड़ा कहते लोग जी ये मर ले भी हमारे कहते हैं लोग ये मर ले तो सरो दिन काहे ना कोनी लोग और काहे ना कोनी लोग बचावे तो फिर तो के उठ के चल गलन मानतनी है बड़ा हमरा लगे सुतरानी सब जाने कहते हैं लोग ना सुतरन तो सर अब क्यों ना कहित मतलब हमरा लग रहा नहीं तो हमरा लग आप पे ही पूरा आरोप आएगा क्योंकि आप उनकी पत्नी है आपको पता ही नहीं है कहा हुआ कैसे हुआ तो सर्वे कैसे पता नहीं तो सर्वे मतलब सर हमें बहन तब न सारे लोग हमरा को आता ना रहती तो सर हमारा नाम लगित के कर नाम लगित सर ना लगित सर माने तुहार लग ना सुत रही तो हमनी के लग भी सुत रही गार्ड जे सुतेला तब ना गेल को ना गेल को गे हमनी के लग सुत त लग तो हमनी खोए दे दो चार दिन की बात है कि आप दो चार दिन थे बाकी समय आप कहां थी
वे नु सर दू दिन तीन दिन तीन दिन तो भइले रह आइला अचारवा दिन उकंड हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया कहानी उनका खत्म हो गया वे नु कहानी भी खत्म हो गल सापा हमनी के छट के परना के दिन बुलावे गरनी सर। तो जब बुलाने भी जाती है तो आप क्यों झगड़ा करते थे, मारती क्यों थी? वो तो आपके पति थे सर। हम ना मारनी ना झगड़ा करनी सर। मारते हैं आप? ना सर। ये मारती थी कि नहीं अपने पति को? मार देता है सर, मार देता है। तो बोल रही है भाई किधर जी जी, हम बता। हां बोलिए। ओ शादी शुदा पहले अब मतलब शादी विदाई हुआ आके आदमी के विदाई भेल तो आदमी आये घर में तो हम हमार पत्नी रानी रानी से सुतल मतलब हम खिड़की में देखत रहनी तही आऊ बोला चाली भाई रहे तो कहते रहे कि हमार कर्म जरगल की तारा ऐसा आदमी हम शादी तारा ऐसा आदमी से शादी हो गए। हाँ तो हम कहनी कातिन कहलक तो कहती है ज्यादा बोल बहुत तुम्हारे के मुँह में खून ढका दे मी कहलक तो हम सही बात है ना सर मुँह में खून ढका के ना क्यों कहल सर सही बोल रहे कि हाँ सही बात है आपके कहने से तो नहीं होगा। हाँ सर सर मुँह में खून ढकरा के सर नहीं कहले हम सर क्या कहते ज्यादा बोल बात मुँह में खून चुआ दे तो हम निकाल के कहे कि जे तोरा अभिन तोरा का बीतल बा अभिन निकाल के दूसरा शादी कहले अभिन कुछ नहीं के बीतल। एक चीज आप बताइए एक चीज बताइए आप आपको अपने पति शादी के समय से पसंद थे कि नहीं थे? सर रानी रानी जब पसंद थे तो फिर हत्या कैसे कर दिया? सर हम तो मते काय करम सर ये बरा सर हमर शादी जब पसंद थे तो आप उनको मारते क्यों थी? सर ये जब पसंद थे तो आप नहियर में क्यों रहती थी? जब पसंद थे तो किसी और के साथ संबंध क्यों था? ना सर संबंध सर ये बरा हमर मरती तो सर ये बरा के मीत करते सर कई आप मजबूरी में तो शादी नहीं है की है कि बड़ी बहन का शादी हो रहा है आपका भी शादी किया जा रहा है तो जब आप मजबूरी में कर ली शादी? ना सर हम दोनों बहन के दोनों भाई के संग बोल बा सर सब दहेज सब दियाल बाटे शादी ना शादी के बाद आप पसंद पसंद आपको अपने पति पसंद थे कि नहीं थे? हाँ सर शादी का ना पसंद थे कि नहीं इनको? अब सर अब लोग के दोनों बेगत के बात हम तना बता सके हम अपन गार्जियन के बारे में जानते हैं जी। हाँ अब देख लीजिए ये हालात है ये अनिल की पत्नी है जो यहाँ बैठी हुई है और आज ही जो है ये जेल से जो है आ चुकी है लेकिन सवाल है कि भाई ये पुलिस वाले जो है इनको छोड़ कैसे दिए? अगर इनका हाथ है नहीं है फिर छोड़ा कैसे गया? बाकी लोगों को भी पकड़ लिया गया बाकी लोगों को भी छोड़ दिया गया तो फिर कातिल कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मर्डर केस को ही दबा दिया जाना चाहता है इस मर्डर केस को इस घर तक जो है सीमित कर दिया जाना चाहता है और इसका हत्यारा कौन है? पत्नी कह रही है कि हत्यारा नहीं है ये कह रही है कि इन्होंने हत्या नहीं किए हैं ये भी कह रही है कि हत्या नहीं की है तो फिर आखिर हत्या किसने किया है किसने हत्या किया है ये भी अभी भी सवाल बना हुआ है सवाल कि आखिर में हत्या किसने किया है लेकिन पूरा आरोप आप पे ही जा रहा है आपको फांसी लगेगी फिर सर मुंगा दिलगन चाहे कुछ कह लगन सर मैंने अपने पति के सर नहीं की मर ले सर। पूरा गांव के लोग कह रहा है कि आपने हत्या किया है और जब पता चल जाएगा कि हत्या किसने किया तो फांसी तो आपको लगेगी आपको जाना पड़ेगा फिर जेल समझ जाइए सर हम मर ले तब हम जब फांसी लगे चाहे कुछ लगे सर अब हमारे सर ओके वाला बा अकेले जम हो जाए सर हमारे से अकेले नहीं खेखे वाला सर मैंने सर अपने पति के हम मार दे के सर हम इनका से होके वाला बा कि ना अकेले सर हो जाए इनकरा से बहुत करेज के मोटा वाली बताइए आपकी बहन खुद बोल रही है ना सर सर हमारे संग ना हो के सके सर सर झगड़ा वगैरह कुछ नहीं थी सर को लोग हम लोग दे उभा के ऊपर गोल बानी अब बताइए सुतुत गोल बानी सर हम तो झगड़ा करबो ना करनी सन सर को के मत ले बात भी कर बताइए किस तरह हुआ फिर रात में आखिर क्या हुआ था बताइए पूरा सर कुछ ना वाला नहीं दोनों बेकत लेके खिलावत रहे सर हम सुत गए बेन आदमी लोग में उठ के के चौक आ जा थाना लाओ तारा चलिए मतलब मंजर यही है कि अनिल की पत्नी कह रही है कि इन्होंने हत्या नहीं किया बाकी सब लोग अब पूरा का पूरा जो है संकेत इनके तरफ ही जा रहा है कि इन्होंने अभी अपने पत्नी की हत्या किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि पति की हत्या जो इन्होंने खुद किया हुआ है प्रशासन भी जो है क्या कह रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि प्रशासन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ अनिल हत्याकांड आदापुर का अनिल हत्याकांड जो है इसका जो है मंजर जो है एक अलग दिशा की तरफ जो है बहता चला जा रहा है और शक का दायरा जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसकी
कहानी जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के द्वारा खत्म कर दी जा रही है। प्रशासन जो है इस केस को जो है मतलब कि क्या कहते हैं रफा दफा करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इस मर्डर मिस्ट्री को हम लोग जरूर सॉल्व करें और असली कातिल कौन है आप लोगों के सामने हम लेकर आए। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या अनिल की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या किया है नहीं किया है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।